हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, सभी को जोहार। इस वीडियो में मैं आपको झारखंड के एक लोकप्रिय त्यौहार कर्मा की जानकारी देने वाली हूं। आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं झारखंड में इस फेस्टिवल को कैसे मनाया जाता है। कर्मा पर्व भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस साल कर्मा 25 सितंबर को मनाया जाएगा। झारखंड में कर्मा पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कर्मा पर्व मुख्यतः बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए करती हैं। झारखंड के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, इसलिए इस पर्व में वो धान और जौ के बीज की रोपाई करते हैं। इस फेस्टिवल में कर्म वृक्ष और उसकी डाली की पूजा की जाती है और झारखंड के ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जिस भाई की बहन पहली बार कर्म पर्व का उपवास रखती हैं, उनके भाई उन्हें अपनी गोद में उठाकर पूजा स्थल तक लेकर जाते हैं। झारखंड के पारंपरिक वेशभूषा में सजी सारी महिलाएं और पुरुष कर्म डाली की पूजा करने के बाद यहां की पारंपरिक नृत्य करते हैं। इस पूजा के कुछ नियम होते हैं। महिलाएं पूजा से 10 दिन पहले नदी की बालू लाती हैं और उसे अखाड़ा या फिर सरना स्थल में रखती हैं। उसके बाद उस बालू में 5 तरह के अनाज लगाए जाते हैं जो कि अच्छी फसल के प्रतीकात्मक रूप होते हैं। कुछ बालू कर्मा पूजा के दिन के लिए बचाकर रखे जाते हैं ताकि उसमें कर्म डाली को लगाया जा सके। कुछ दिनों तक जौ की वृद्धि के लिए हल्दी वाला पानी डाला जाता है और अखाड़े में झूमर नृत्य और लोकगीत गाए जाते हैं। कर्मा पूजा के दिन महिलाएं नदी, तालाब या फिर घर में सुबह नहाकर तैयार होती हैं और गांव के सारे पुरुष ढोल मांदर लेकर कर्म डाली को लाने जाते हैं। डाली को लाने के कुछ नियम होते हैं। कर्म पेड़ की 3 डालियां तोड़ी जाती हैं और उसे जमीन पर नहीं गिरने दिया जाता है क्योंकि कर्म डाली को भगवान स्वरूप माना जाता है। कर्म डाली को पुरुष कंधे पर उठाकर अखाड़े तक लाते हैं। शाम के समय अखाड़े में गाँव के सारे लोग आते हैं। अखाड़े को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया जाता है। सारे महिलाएं और पुरुष झारखंड की पारंपरिक वेशभूषा में होते हैं। झारखंड की ट्रेडिशनल ड्रेस रेड एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में बने होते हैं। महिलाएं साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती, कमीज और गमछा पहनते हैं। पूजा पाहन के द्वारा कराया जाता है और पूजा में कर्मा धर्मा दोनों भाइयों की कहानी सुनाई जाती है। इस दिन बहनें निर्जला व्रत रखती हैं अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए। इस पूजा में पारण और विसर्जन के भी कुछ नियम होते हैं। दूसरे दिन की सुबह सारी महिलाएं नहा धोकर भात और कर्मी का साग प्रसाद स्वरूप लेकर आती हैं। वो कर्म डाली की पूजा कर भात और कर्मी का साग चढ़ाती हैं, फिर कर्म डाली के गले मिलती हैं। फिर सारी महिलाएं झुंड बनाकर कर्म डाली को किसी नदी में प्रवाहित कर उनका विसर्जन करती हैं। कुछ जगहों पर कर्मा पूजा के बाद जत्रा का आयोजन भी किया जाता है जिसमें लोग खुशी से झूमर नृत्य करते हैं। पूजा के बाद 2-3 घंटे का झूमर नृत्य करते हैं। गांव के सारे लोग उसके बाद अपने अपने घर को जाते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। एंड इफ यू हैव लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लविंग वंस।